छत्तीसगढ़ में दिग्गजों ने वोट डाले, नेताओं के क्या कहने हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। क्या गारंटी दिया है, क्या किसानों का है, मजदूरों का है, युवाओं का है, महिलाओं का है, इसके लिए कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है, गारंटी दिया है राहुल जी, खड़गे जी और प्रियंका जी ने। सर बीजेपी मोदी की गारंटी लेकर मैदान पे है, क्या लगता है भूपेश से भरोसा? गारंटी की कोई गारंटी छत्तीसगढ़ में नहीं है। सब कोई अपने मत का प्रयोग करे, संवैधानिक अधिकार है, शत प्रतिशत मतदान का प्रयास होना चाहिए और जितने मतदाता मतदान पहली बार जरूर विशेष न्योता है कि सबके सब है और मतदान मतदाताओं के ऊपर है, सब साथियों के ऊपर है जो प्रयास करते हैं, जो नतीजा आएगा उसको स्वीकार करें। होती है मिनिमम उसके नीचे 75 पार का वही टारगेट है, दो तिहाई से ऊपर कम से कम 90 तक जा सकते हैं। किस तरह माहौल देखते हैं सर रायपुर के चार सीटों पर? रायपुर के चारों सीट हम जीतेंगे और छत्तीसगढ़ में बीजेपी जीतकर अपनी सरकार बनाएगी। ऐसा कहा जा रहा था कि टक्कर आपको मिल रही है वहाँ पर दक्षिण में, अब टक्कर है कि चक्कर है ये आप 3 तारीख को देखिएगा। जनता पर पूर्ण विश्वास, लोकतंत्र का महापर्व, अपने मत का उपयोग करें और यही कहने आज मैं जनता के बीच में निकला हूँ। इस प्रदेश में भय भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बने, प्रदेश प्रगति के मार्ग पर आगे जाए और इस शहर को व्यवस्थित और प्लानिंग के साथ में बसाएं, यही मेरा उद्देश्य है जिसको लेकर के मैं जनता के बीच में हूँ। अच्छा रुझान है, लोगों का मत स्पष्ट है, 5 साल में इस रायपुर शहर की जनता ने अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया और उससे मुक्ति चाहती है जनता, इसीलिए आम जनता अपनी उत्सुकता के साथ में मतदान करने निकली।